छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। 2 दिनों की खरीद में धमतरी जिला पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है। जिले के 100 खरीदी केंद्रों में कुल 88,261 क्विंटल धान खरीदी की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि धमतरी जिले में इस बार 2 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। यहां लगभग 1,24,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसके अलावा धान की तस्करी की आशंका में उड़ीसा राज्य की सीमा पर सीसीटीवी से भी निगरानी और जांच की जा रही है। धमतरी के नगरी सिहावा इलाके में खराब बारिश और हाथियों के कारण इस साल कमजोर उत्पादन और कम खरीदी भी आशंका है। धमतरी जिले में इस वर्ष 100 उपार्जन केंद्र निर्धारित किया गया है और अभी तक जो पंजीयन हुए 1,24,000 के लगभग है और पंजीयन कृषि है। वैसे आज दिनांक तक 2,706 किसान लोग धान बेच चुके हैं आज समय तक का, और उनका राशि हुआ है 18,07,290 रुपये हुआ है, और कुल धान बेचे हैं इन लोग 88,261 क्विंटल।